2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मोदी सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण बिल को हरी झंडी दे दी है। संसद के इसी विशेष सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा। देश की आधी आबादी को सत्ता में भागीदारी देने वाला मोदी सरकार का फैसला ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि आजाद भारत के 75 साल के इतिहास पे जो नहीं हुआ मोदी सरकार वो करने जा रहा है। देश की महिलाओं को और सशक्त और ताकतवर बनाने के लिए मोदी सरकार सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। चलिए जानते हैं कितनी फीसदी आरक्षण मिलेगा और संसद में पहली बार कब पेश किया गया ये बिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ कि चुनाव में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल जैसे बड़े फैसले का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विशेष सत्र के शुरुआती भाषण में दे दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि ये सही है कि ये सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का ये सत्र है। गौरतलब है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने का मोदी सरकार का फैसला उस कड़ी का हिस्सा है जिसके तहत मोदी सरकार महिला अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई अहम योजनाएं निकाली। सरकार ने महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन से कठिनाइयों को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आई, जिसके तहत LPG सिलेंडर के बढ़ते इस्तेमाल से रसोई धुआं मुक्त हुई। करोड़ों महिलाएं सांस की बीमारियों से बच गई। आपको बता दें कि सबसे पहले 12 सितंबर 1996 को SG देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी जो 13 पार्टियों का गठबंधन था, लेकिन सरकार में शामिल जनता दल और अन्य कुछ पार्टियों के नेता महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। इस विरोध की वजह से इस विधेयक को CPI की गीता मुखर्जी की अगुवाई वाली संयुक्त समिति के समक्ष भेजा गया। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।